नमस्कार, मैं अश्वानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में 13 लाख श्रमिकों का निबंधन, निर्माण श्रमिकों के लिए विशेष कैंप, चिकित्सा सहायता सहित अन्य 14 प्रकार की सुविधा। बीपीएससी की शिक्षक भर्ती में बड़ी नियुक्ति, तीसरे चरण में 39,391 शिक्षक पद, उच्च विद्यालयों में 6,061 प्रधान अध्यापक नियुक्ति। शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा हुई रद्द, प्रश्न पत्रों में पाई गई विसंगतियां, 13 नवंबर को होगी पुनः परीक्षा। अवैध खनन रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस फोर्स, जिलों में विशेष जांच अभियान की शुरुआत, राजस्व का हो रहा भारी नुकसान। T20I में रोहित शर्मा का टूटा रिकॉर्ड, सिकंदर रजा का रिकॉर्ड तोड़ शतक, महज 33 गेंदों में जड़ा शतक। बिहार में अगले साल मार्च तक 13 लाख निर्माण श्रमिकों का निबंधन किया जाएगा। श्रम संसाधन विभाग ने पंचायत स्तर पर विशेष कैंप लगाने की योजना बनाई है। निबंधन केवल 18 से 60 वर्ष के श्रमिकों के लिए होगा, जिन्होंने पिछले एक साल में कम से कम 90 दिन काम किया हो। शुल्क 20 रुपये और 5 साल के लिए 50 रुपये हैं। अब तक 27 लाख श्रमिकों का निबंधन हो चुका है। निबंधित श्रमिकों को वार्षिक चिकित्सा सहायता, विवाह सहायता और अन्य 14 प्रकार की सरकारी सहायता दी जाती है। पिछले वित्तीय वर्ष में 49,000 श्रमिकों को सहायता मिल चुकी है। बिहार सरकार दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। बीपीएससी को तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में 39,391 पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजना है। इनमें 17,018 पद माध्यमिक और 22,373 पद उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए है। इसके अलावा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6,061 प्रधान अध्यापकों की भी नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए आरक्षण रोस्टर की मंजूरी के बाद शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है। पहले और दूसरे चरण में मिलाकर 2,17,000 शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। अब तीसरे चरण का रिजल्ट जल्द जारी होने की उम्मीद है। बिहार में गंगा नदी पर 3 नए रूटों पर क्रूज कार्गो का ठहराव होगा। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI ने बक्सर बलिया, हसनपुर, बख्तियारपुर और बेगूसराय शामहो के बीच के स्थानों की रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी है। मुख्य सचिव ने घाटों की उपयोगिता की जांच करने और कार्य योजना बनाने के लिए राजस्व और भूमि सुधार विभाग को निर्देश दिया है। इन स्थानों पर पुल निर्माण से यात्रा की दूरी कम होगी, जिससे पर्यटन और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। अतिरिक्त फ्लोटिंग जेटी के लिए घाटों को चिन्हित किया जाएगा, जिससे अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। बिहार के 255 पैक्सों से 233 पैक्स डिफॉल्टर साबित हुए हैं, जिन्होंने धान खरीद के नाम पर 62.31 करोड़ रुपए निकाले, लेकिन केवल 3.90 करोड़ रुपए का चावल वापस किया। बाकी 58.31 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं दे रहे हैं। इस पर सहकारिता विभाग ने कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। सचिव धर्मेंद्र सिंह ने 33 जिलों के सहकारिता पदाधिकारियों को नोटिस जारी करने और नीलाम वाद दायर करने का आदेश दिया है। सुपौल, भागलपुर, दरभंगा, बेगूसराय और खगड़िया को छोड़ राज्य के बाकी सभी 33 जिले शामिल हैं। इनमें उत्तर बिहार के करीब 150 पैक्स शामिल हैं। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद 24 अक्टूबर यानी आज से 14 जिलों में वायु और ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान शुरू कर रहा है। दिवाली के दौरान आतिशबाजी से उत्पन्न ध्वनि और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पटना सहित अन्य जिलों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आतिशबाजी न करने की अपील की है। अभियान 24 अक्टूबर यानी आज से 28 अक्टूबर तक पटना, मुजफ्फरपुर, गया, नालंदा, बेगूसराय, बेतिया, कटिहार, सहरसा, सिवान, भागलपुर, मोतिहारी, पूर्णिया, दरभंगा और सारण जिले में चलेगा, जिसमें नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। यह अभियान 168 स्थलों पर आयोजित किया जाएगा, जिससे प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। बिहार में स्थानीय निकाय शिक्षकों की दूसरे चरण की सक्षमता परीक्षा में 7 विषयों की परीक्षा दोबारा होगी। बता दें कि इस परीक्षा के प्रश्न पत्रों में कुछ विसंगतियां पाई गई हैं, जिसके कारण इस परीक्षा को रद्द किया गया है। इसमें कक्षा 9 से 10 के संगीत, हिंदी, गृह विज्ञान, नृत्य और फारसी तथा कक्षा 11-12 के गृह विज्ञान और इतिहास शामिल है। यह परीक्षा अब 13 नवम्बर को आयोजित की जाएगी, जिसके लिए बोर्ड ने कहा कि नए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। मालूम हो कि दूसरे चरण की सक्षमता परीक्षा हाल ही में 23 से 26 अगस्त के बीच आयोजित की गई थी और अब परीक्षा रद्द होने से परिणाम में देरी की संभावना है।
बालू के अवैध खनन और परिवहन के कारण सरकार को भारी राजस्व का नुकसान हो रहा है। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए खान एवं भूतत्व विभाग ने विशेष छापामारी अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। हाल ही में हुई समीक्षा बैठक में जिलों के खनिज विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे अवैध गतिविधियों के खिलाफ छापेमारी करें और इसके लिए अतिरिक्त पुलिस फोर्स की व्यवस्था करें। जिलाधिकारी आरक्षी अधीक्षक से समन्वय बनाकर अतिरिक्त पुलिस फोर्स प्राप्त करें और इसकी जानकारी खान एवं भूतत्व विभाग को भी मुहैया कराया जाए। जिन जिलों में फोर्स मिलने में समस्या आ रही है वैसे जिले अलग से विभाग को इसकी जानकारी दें ताकि छापामारी के लिए उन्हें फोर्स की सुविधा दी जा सके। भ्रष्टाचार और अवैध संपत्ति मामले में गिरफ्तार बिहार के आईएएस अधिकारी संजीव हंस को पटना की कोर्ट ने 7 दिनों के लिए ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। ईडी ने 14 दिनों की रिमांड की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने 7 दिन मंजूर किए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संजीव हंस से पूछताछ के दौरान उन्हें कम से कम 5 लोगों के सामने बिठाया जाएगा। ईडी के अनुसार संजीव हंस ने रेप का आरोप लगाने वाली महिला को हवाला के जरिए 2.5 करोड़ रुपये भेजे थे और महिला ने इसे स्वीकार किया है। ईडी दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने की योजना बना रही है। बिहार शिक्षा विभाग ने छठ पर्व के अवसर पर 6 से 9 नवंबर तक छुट्टी घोषणा की है जिससे शिक्षक संगठनों में अभी भी नाराजगी बरकरार है। पहले 7 से 9 नवंबर तक की छुट्टी थी जिसे बढ़ाकर 6 से 9 नवंबर तक किया गया है। इसके बाद भी शिक्षकों का कहना है कि उन्हें धोखा दिया गया है और वे अभी भी दीपावली से छठ तक की छुट्टी की बहाली की मांग कर रहे हैं। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि सरकार का निर्णय संतोषजनक नहीं है और इस बार गर्मी की छुट्टियों में भी शिक्षकों से काम लिया गया है। वे इसे केवल दिखावे के रूप में देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो शिक्षक घर से काफी दूर रहते हैं वह अपने घर दीपावली में नहीं जा पाएंगे। हम चाहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे और पूर्व की भांति छुट्टी बहाल करे। सीबीआई ने छपरा प्रधान डाकघर में डाक सहायक जैनेन्द्र कुमार सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया है। जांच में पता चला कि उन्होंने नवंबर 2011 से 31 दिसंबर 2023 के बीच 1,24,74,993 रुपये की संपत्ति बनाई जबकि उनकी आय केवल 8,85,042 रुपये थी। जैनेन्द्र के खर्च 26,95,014 रुपये थे। सीबीआई ने यह भी पाया कि उन्होंने गैर वाजिब तरीके से 70,84,965 रुपये की संपत्ति अर्जित की। उन्हें पीसी अधिनियम के तहत 1988 की धारा 13(2) के साथ 13(1)(b) के तहत एक नियमित मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। आने वाले पैक्स चुनाव में मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में चुनाव से 10 दिन पहले तक जोड़ या हटा सकते हैं। बिहार में पैक्स चुनाव के लिए मतदान केंद्रों को चिन्हित किया जा रहा है जो 1 से 2 दिन में पूरा होगा। शुक्रवार 25 अक्टूबर को मतदाताओं की अंतिम सूची प्रकाशित होगी जिसमें अब तक 1.41 करोड़ मतदाता शामिल हैं। 26 नवम्बर से 6,422 पैक्स में मतदान 5 चरणों में होगा। प्रत्येक मतदान केंद्र पर 5 पुलिस बल तैनात रहेंगे। मतपत्रों के लिए 5 रंग निर्धारित किए गए हैं। बिहार के 13 विश्वविद्यालयों और संबंधित महाविद्यालयों को अब किसी भी निर्माण कार्य से पहले जानकारी शिक्षा विभाग के पोर्टल पर देनी होगी। इसमें निर्माण का नक्शा बजट और उपयोगिता जैसी जानकारियां शामिल होंगी। यदि बिना स्वीकृति के निर्माण किया गया तो विभागीय कार्रवाई होगी और बजट पास नहीं किया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षकों और कर्मचारियों की जानकारी पे रोल पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। इसमें शिक्षक का नाम पता पारिवारिक स्थिति ज्वाइनिंग और रिटायरमेंट तिथि जैसी जानकारियां शामिल होंगी। नए वित्तीय वर्ष 2025-26 तक यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। भारतीय विमान पतन प्राधिकरण AAI की टीम जल्द ही नालंदा और भागलपुर का दौरा करेगी ताकि हवाई अड्डा की साइट विजिट और पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन किया जा सके। वायुयान संगठन निदेशालय ने दोनों जिलों से 7 बिंदुओं पर प्रतिवेदन मांगा है जिसमें साइट के निर्देशांक राजस्व मानचित्र समग्र ज्यामिति आकार का रेखाचित्र मौसम संबंधी डेटा विंड रोज आरेख और स्थल का समुच्च मानचित्र शामिल है। मुख्य सचिव ने हाल ही में हुई बैठक में इन तैयारियों की जानकारी ली और निदेशालय के निर्देशों पर त्वरित कार्रवाई करने का आग्रह किया। पटना विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर अजय कुमार सिंह ने NAC के मानकों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय के काम को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया है। विश्वविद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए 11 परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं जिनके लिए राज्य सरकार और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा रूसा द्वारा
370 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृति की गई है। हाल ही में व्हीलर सीनेट हॉल की मरम्मत और इंटरनेशनल हॉस्टल का काम पूरा हुआ है। अन्य परियोजनाओं में प्रशासनिक भवन, आर्ट्स एकेडमिक भवन, परीक्षा भवन और 2 गर्ल्स हॉस्टल शामिल हैं, जिन पर जल्द ही काम शुरू होगा। पटना कॉलेज में एग्जामिनेशन हॉल का निर्माण और नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का भी काम जारी है। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने 23 अक्टूबर को गाम्बिया के खिलाफ T20 विश्व कप क्वालिफायर में 33 गेंदों पर शतक बनाकर इतिहास रचा और रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उनकी इस रिकॉर्ड तोड़ पारी में 15 छक्के शामिल थे और उन्होंने 43 गेंदों में 133 रन बनाकर जिम्बाब्वे को 344 रन का विशाल स्कोर खड़ा करने में मदद की। गाम्बिया के खिलाफ जिम्बाब्वे ने 290 रन से जीत हासिल की, जो T20 क्रिकेट में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत है। इस प्रदर्शन के साथ सिकंदर ने टेस्ट खेलने वाले देशों के खिलाड़ियों में सबसे तेज T20 आई शतक का रिकॉर्ड अपने नाम किया। पहले रोहित शर्मा और डेविड मिलर का रिकॉर्ड तोड़ा। रोहित शर्मा ने 35 गेंदों में श्रीलंका के खिलाफ शतक जमाया था, जबकि डेविड मिलर ने भी बांग्लादेश के खिलाफ 35 गेंदों में शतक जमाया था। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अशोक कुमार, कुमारी सोनी, आदित्य प्रताप पासवान, संजीव कुमार, नौशाद रजा, रवि कुमार राम, छोटू राजा, अर्जुन राम, राकेश मिश्रा, रवि मोहन वर्मा और सुशील कुमार मोदी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार होने वाली धांधली और त्रुटियों के बारे में आपकी क्या राय है। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।